यहाँ पे मैं ओप्पो ब्रांड का कॉमन फीचर बताने वाला हूँ जो बहुत सारे लोग को ये चीज़ नहीं पता है। मैंने खुद अपने आँखों से देखा कि वो उसके अंदर जो हाइडन फीचर होते हुए भी वो थर्ड पार्टी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वो चीज़ है वो मतलब उसका यूजिंग कर रहा था। तो मेरे को लगा कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ है नहीं पता है, तो मैं आपको लेके आया हूँ 10 ऐसे टिप्स ट्रिक्स जो कि एक हाइडन फीचर है। और अगर आपके पास अगर ओप्पो का फ़ोन है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें ऐसा कुछ फीचर बताने वाला हूँ जो शायद आपको नहीं पता होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल में दे देता हूँ, अगर आपके पास ओप्पो का फ़ोन है तो आप डायरेक्ट गैलरी में जाइए। गैलरी में आप जाते हैं तो इस तरह का आप देखिए ऊपर में एक गैलरी का एक लोगो रहता है, उस पर आप प्रेस करके 2-3 सेकेंड रखेंगे ना तो ऐसे फोल्डर हाइडन फोल्डर में जाएंगे जहाँ पे आपको एक बोलेगा कि ये आपका प्राइवेट फोल्डर है। अगर आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑनर्स हैं, अगर आप इस स्मार्टफोन का यूजर है तो आप इसमें अपना खुद का एक डेंट पासवर्ड डालिए, प्राइवेट है ये पर्सनल है। इसी तरह का बहुत सारे ऐसे फीचर है जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाला हूँ। आपके पास है ओप्पो ब्रांड का फ़ोन तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरा फ़ोन देख सकते हैं, मेरा फ़ोन जो है ओप्पो A5S है, डिवाइस नेम ओप्पो A5S, कॉलर ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन है जो 5.2 का है। ये केवल ओप्पो फ़ोन एंड रियलमी फ़ोन जो कॉलर ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं, कॉलर OS में आते हैं। चलिए पहला नंबर जो मेरा हाइडन फीचर है वो है प्राइवेट फोल्डर्स लेके। यहाँ पे मैं गैलरी में आया हूँ, गैलरी में ऊपर एक ऑप्शन है मोमेंट का, वहाँ पे कुछ सेकंड प्रेस करके रखेंगे, या फिर यहाँ पे एल्बम का ऑप्शन है, यहाँ पे कुछ सेकंड प्रेस करके रखेंगे तो देखिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। ये एक प्राइवेट फोल्डर है, यहाँ पे मैं कोई भी फोटो एंड वीडियो प्राइवेट करके नहीं रखा है, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं नीचे। तो चलिए मैं एक वीडियो को प्राइवेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एक व्हाट्सएप वीडियो, यहाँ पे व्हाट्सएप वीडियो है, इसमें ये वीडियो जो है इसको मैं प्राइवेट करता हूँ, ऐड टू प्राइवेट। अभी वीडियो प्राइवेट हो चुका है, ये वीडियो कैसे फोल्डर में चला गया है जो कि गैलरी में नहीं दिखाएगा और आपका फाइल मैनेजर पे भी नहीं दिखाएगा। अब यहाँ पे मैं कुछ देर प्रेस करके रखा हूँ, अब मैं ये प्राइवेट फोल्डर में आ चुका हूँ, यहाँ पे पासवर्ड में डाल दिया हूँ। यहाँ पे ये वीडियो देखिए शो कर रहा है जो कि आपके गैलरी में आपका फाइल मैनेजर में कहीं शो नहीं करेगा। मेरा दूसरा में जो हाइडन फीचर है उसको देखिए, यहाँ पे आपको मैं सेटिंग्स में लेकर चलता हूँ, सिक्योरिटी में आके। सिक्योरिटी में आने के बाद इस तरह का आपका ऑप्शन मिलता है जिसमें ऐप इनक्रिप्टेड का ऑप्शन है, उसमें मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे को बोलता है कि अपना प्राइवेसी पासवर्ड डाल, तो मैं डाल दिया हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ऐप है जो मेरे फ़ोन में जो भी ऐप है यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे सेटिंग्स में जाके आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेटिंग्स में मैं जब जाता हूँ तो ये बोल रहा है चेंज एक्सेस नंबर, ये एक एक्सेस नंबर दिया है जिसकी मदद से आप इस ऐप में जाएंगे, इस ऐप को प्राइवेट कर देंगे। ठीक है, आप ऐप को प्राइवेट करेंगे तो एक्सेस नंबर के द्वारा आप इस ऐप में एक्सेस करेंगे। तो चलिए मैं एक फ़ोन को यहाँ पे मैं प्राइवेट किया हूँ इसका, लेकिन ये हाइड होम स्क्रीन आइकन नहीं किया हूँ। अगर हाइड होम स्क्रीन आइकन अगर ऑन कर दूंगा तो मेरा जो होम स्क्रीन है, जो मेरा फ़ोन का होम होता है, वहाँ पर ये ऐप शो नहीं करेगा। इसको मैं किया हूँ हाइड होम स्क्रीन, मतलब ये स्क्रीन पर मेरा नहीं दिखाया। चलिए मैं जो हाइड होम स्क्रीन किया हूँ उसको देखिए मैं कैसे लाता हूँ। यहाँ पे कुछ कोड है, एक्सेस नंबर है जो वहाँ पे उस सेटिंग में मैं डाला हूँ, वो एक्सेस नंबर यहाँ पे मैं डालूँगा तो ये जो हाइडन ऐप है यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। इस हाइडन ऐप आपको स्क्रीन पे कहीं नहीं दिखाएगा, बल्कि आपको एक्सेस नंबर के द्वारा उस प्राइवेसी में उसके इस ऐप को आपको यूज करना होगा। ये जो ऐप लॉक का पासवर्ड है या फिर पैटर्न है वो आपका मेन स्क्रीन लॉक से डिफरेंट होगा, कि अगर कोई जान भी जाता है आपका स्क्रीन लॉक तो इस प्राइवेट सेफ में इंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरा पासवर्ड डाला रहेगा। चलिए तीसरा नंबर जो मेरा हाइडन फीचर था वो था एक स्क्रीन शूट एडिटिंग एंड स्क्रीन शूट लॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे मैं स्क्रीन शूट किया हूँ, यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पे बढ़ा दूंगा। यहाँ पे नीचे का भी आप स्क्रीन शूट ले सकते हैं, इसका एडिट करके छोटा भी कर सकते हैं, ये भी अच्छा ही फीचर है। अगर आपको टिकट वगैरह भेजना है लंबा में तो आपका लॉन्ग प्रेस करके यूज कर सकते हैं। चौथा नंबर जो मेरा हाइडन फीचर था वो था स्मार्ट कॉल, जो यहाँ पे मैं गेस्चर मोशन में जाता हूँ उसके बाद यहाँ पे स्मार्ट कॉल है उसमें चलना है। यहाँ पे आपको ऑटो कॉल व्हेन प्लेसिंग फ़ोन टू ईयर, उसके नीचे है ऑटो आंसर व्हेन फ़ोन इज नियर ईयर, उसके बाद मोड स्विचिंग ड्यूरिंग कॉल्स एंड फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स, यहाँ पे चारों जो ऑप्शन है। दूसरा नंबर जो है ऑटो आंसर व्हेन फ़ोन इज नियर ईयर, मतलब आप फ़ोन अपने कान पे जब लेके जाते हैं तो ये ऑटोमेटिक उठ जाता है, मतलब आपका फ़ोन रिसीव हो जाता है। उसके नीचे ऑप्शन है मोड स्विचिंग ड्यूरिंग कॉल्स, इसका मतलब है अगर आप इसको ऑन कर देंगे मोड स्विचिंग ड्यूरिंग कॉल्स को, तो आप जब कान से हटाओगे तो आपका लाउड स्पीकर ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, आपका फ़ोन का जो आवाज़ होगा उधर से आने वाली आवाज़ वो स्पीकर पर डायरेक्टली आने लगेगा,
जब आप कान की तरफ फिर लेके जाएंगे अपना फ़ोन तो फिर से आपका एयर स्पीकर चालू हो जाएगा। इसके बैक आते हैं तो यहाँ पे आपको एक मिलता है स्क्रीन ऑफ गेस्चर। स्क्रीन ऑफ मतलब आपका लाइट ऑफ रहे, आपका मोबाइल लॉक रहे उस समय। स्क्रीन ऑफ गेस्चर मतलब स्टैंड बाई मोड में आपको फ़ोन रहे। तो यहाँ पे है डबल टेप टू टर्न ऑन स्क्रीन और ड्रा ओ टू इनेबल कैमरा। तो चलिए मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ कि ये कौन सा गेस्चर है। यहाँ पे मैं इस तरह का एक भी बनाता हूँ लॉक में, मेरा फ़ोन लॉक है उस समय मेरा फ्लैश जलने लगेगा। वही सेटिंग है ड्रा डब्ल्यू, तो वही सेटिंग है। एक भी बनाते हैं तो इस तरह का सेटिंग आता है आपको जब फ़ोन का लॉक लगा हो यानी फ़ोन स्टैंड बाई मोड में हो। यहाँ पे मैं एक लाइन खींचूँगा तो यहाँ पे मेरे को वाईटी स्टूडियो लॉन्च हो जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट हाइडन फीचर है वो है क्विक बॉल एसीटी बॉल्ब, मतलब असिस्टेंस का काम करता है क्विक बॉल। यहाँ पे देख सकते हैं एसीटी बॉल्ब, जो यहाँ पे एक बॉल्ब आता है उस पर क्लिक करते हैं तो पाँच उसमें से पॉपअप की तरह निकलता है, जिसमें ऑप्शन आता है बैक स्क्रीन शूट मल्टीपल एंड लॉक एंड होम। तो यहाँ पे मैं जब एसीटी बॉल्ब को ऑन कर दूंगा, उस सेटिंग को ऑन यहाँ पे रखा हूँ, तो देखिए यहाँ पे कैसे शो करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको ऑन कर चुका हूँ, यहाँ पे एक बॉल आ चुका है। इसको क्लिक करूँगा तो पाँच छः इसमें से आ रहा है, बैक का ऑप्शन है, बहुत सारा ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे ये यूजिंग हो रहा है। तो फिलहाल मैं इस गेस्चर को ऑफ कर देता हूँ क्योंकि मेरे को इसको ज़रूरत नहीं पड़ता है। अब जो हमारा नेक्स्ट हाइडिंग फीचर था वो था स्मार्ट साइड बार। स्मार्ट साइड बार ये भी एक क्विक बॉल एसिस्टिव बॉल की तरह ही है। इसको अगर ऑन करते हैं तो साइड से एक इस तरह से निकलता है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे पॉपअप की तरह निकलता है। आप कोई भी ऐप यहाँ से डेकोरेट करके पॉपअप बना सकते हैं। मैं फिलहाल ये मैसेज को खोलता हूँ तो देखिए किस तरह ये मैसेज जो मेरा पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, कहीं भी इसको मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डेकोरेशन भी इसका कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा हाइडन फीचर था वो था इंग्लिश फोटो। अगर इंग्लिश में है उसको हिंदी में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे साइड में लेके आके साइड में इस तरह का एक पॉपअप निकलता है। यहाँ पे ऊपर जब जाएंगे तो ऊपर एक ऑप्शन आपको दिखेगा स्कैन ट्रांसलेट, फोटो ट्रांसलेट में क्लिक करेंगे आपका यहाँ से डायरेक्ट फोटो को भी कर सकते हैं। लेकिन मैं फिलहाल इमेज खींचा हूँ, इसको मेरे को हिंदी में कर, देखिए किस तरह से हिंदी में आ गया। फिलहाल इसको नेट अगर ऑन रहना चाहिए, आपका नेट ऑन रहेगा तब ये प्रॉपरली। नेक्स्ट जो मेरा हाइडन फीचर था वो था गेम स्पेस। गेम स्पेस अगर आप पबजी वगैरह कोई गेम ज़्यादा एमबी का खेलते हैं, ज़्यादा प्रोसेस का खेलते हैं, तो यहाँ पे आप गेम स्पेस का कोई गेम यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए गेम स्पेस में, ताकि आपका जो फ़ोन हो वो हैंग प्रॉब्लम में ना आए, वो बैकग्राउंड में रिफ्रेशिंग करता रहे, केच को ऐसे मैनेजिंग करता रहे। नेक्स्ट जो हमारा डाइन फीचर था वो था स्पाइल्ट स्क्रीन। स्पाइल्ट स्क्रीन का देखिए कैसे यूज करना है इसको। आपको थ्री स्क्रीन ऊपर की तरफ करना है, जिस तरह आप स्क्रीन शूट के लिए नीचे करते हैं उसे ऊपर करेंगे तो इस तरह का आधा आपका स्क्रीन बिजी हो जाएगा, आधा स्क्रीन में आप कुछ और यूज करिए। जैसे कि मैं आधा स्क्रीन पे मैसेज ओपन किया हूँ। चलिए नेक्स्ट जो हमारा डाइन फीचर था वो था बॉटम से लेके। आप नीचे से जो बॉटम करते हैं, अगर आप वर्चुअल नेविगेशन जो दे रहा है उसको रखेंगे तो आपका बॉटम आएगा नीचे से, और आप अगर स्विच और गेस्चर नेविगेशन रखते हैं तो आपका बॉटम हट जाएगा, आपको इस तरह से आपको ओपन करना होगा। बीच नीचे से अगर बीच से लेकर नीचे से ऊपर के उठाते हैं तो आपका गो टू होम जाएगा, और वही चीज़ अगर उठा कर वहाँ पर रखे रहेंगे तो आपका रिसेंट ऐप जो होगा वो आ जाएगा। और अगर आपको बैक करना होगा तो क्या करना है, साइड से कोने से आपको थोड़ा सा इसे खींच के छोड़ देना है तो आपका बैक होगा। बैक बटन कैसे काम करेगा, ये कोने से आपको नीचे से ऊपर उठाना है। तो देखिए मैं होम कैसे लाया हूँ, बीच से उठा कर रखा हूँ तो ये ऐप आ गया है रिसेंट ऐप, और बैक देखिए कैसे कर रहा हूँ। ये इमेजेस के द्वारा आप समझ लीजिए कि कैसे ये काम करता है। देखिए यहाँ पे साइड से जो ऊपर का ये साइड से अगर इस तरह से खींचेंगे ऊपर की तरफ तो आपका बैक होगा, ठीक है। अगर बीच देखिए कैसे मैं बैक किया, अब बीच से लेके यहाँ पे रखूँगा तो डायरेक्टली आपका होम आ जाएगा, होम का रिसेंट ऐप, ठीक है। अब देखिए कैसे मैं होम करता हूँ, मैसेज में आया, अब देखिए होम ऐसे बीच से उठा देना है, बस होम हो गया। अब इसको लेके रखे रहेंगे तो ये ऑटोमेटिक वो रिसेंट ऐप आ जाएगा। बैक कैसे करना है, सिंपली आपको कोने से उठा देना है, बस कोने से उठाएंगे तो बैक, और बीच से उठाएंगे तो होम, और बीच से उठा के थोड़ा सा रखेंगे तो आपका रिसेंट ऐप आएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है।